नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ड्रीम माइंड में। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्टोरी द फाइनल सॉल्यूशन की, जिसे लिखा गया है मानिक बंदोपाध्याय के द्वारा, जो कि एक बंगाली राइटर हैं। डीपली जो है समरी डिस्कस करेंगे, साथ के साथ एनालाइज करेंगे उन सारे तथ्यों को, उन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे जो कि हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछ ली जाए। तो डीपली जो है एनालाइज करने की पूरी कोशिश रहेगी, ताकि कोई भी पॉइंट जो है मिस ना हो, कोई थीम मिस ना हो, ठीक है। इससे पहले आप लोगों के लिए जो एक इन्फॉर्मेशन है और खुशखबरी है ये कि आप लोगों ने जितनी भी वीडियोस कही थी मेरे को, लगभग मैंने डाल दिया पार्टीशन की और भी वीडियोस दी, जैसे टोबा टेक सिंह, सादत हसन मंतो के द्वारा, ये इसकी भी समरी डाल दी है मैंने। अलीफ इन द स्टॉर्म, इसकी भी समरी डाल दी है। द गर्ल हु कैन, इसकी भी समरी डाल दी है। आलम साउस, उसके बाद पार्टीशन के बाद मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा वगैरह, सारी वीडियोस डाल दी है लगभग। जैसे गोस्ट हो गया, चिनुआ एकीबी के द्वारा लिखी गई, थिंग्स फॉल अपार्ट हो गया, राइनोसोरस हो गया हिप्सन के द्वारा, तो ये सारी वीडियोस जो मैं डाल चुका हूँ आप एक बार देख लेना। ये सारी वीडियोस सिक्स्थ सेमेस्टर के नाम से जो है आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, ठीक है। आप प्लेलिस्ट पे जाना, आप देख लेना। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक है अपना फाइनल सॉल्यूशन की समरी जानना, तो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं मेन इश्यूज क्या उभर के आएंगे स्टोरी में, पहले वो देख लो। तीन चीज़ें हैं, पहला प्रोस्टिट्यूशन का, दूसरा ग्रुपिंग का कि कैसे गैंग बन जाते हैं और फिर गैंग के थ्रू से जो आपको धकेल दिया जाता है ऐसे कामों में, प्रोस्टिट्यूशन वाले कामों में, ठीक है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है प्रॉब्लम ऑफ डिपेंडेंस की हम बात करेंगे, कैसे जो है एक फीमेल स्पेशली अगर बात करें वो डिपेंड हो जाती है, अगर वो अर्नर नहीं है, एक ब्रेड अर्नर नहीं है अपनी फैमिली के लिए और खुद डिपेंडेंट नहीं है, मतलब खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, तो उसे फाइनली जो है एक डिपेंडेंसी उसकी बनती है फिर, मतलब उसे दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है अपने खाने के लिए, अपने खर्चे के लिए, सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। ये तीन पर्सपेक्टिव उभर के आएंगे, ये तीन इश्यूज हैं स्टोरी में, एक एक करके देखेंगे। जेंडर पर्सपेक्टिव भी आप मत भूलना, ठीक है। अभी सारी चीज़ें आप माइंड में रखो, मैंने क्या क्या बताया है। समरी जब क्लियर हो जाएगी तो सारा कुछ डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। समरी स्टार्ट होती है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो स्टोरी चालू होती है कि बहुत सारे लोग हैं इकट्ठे एक ही जगह में, रेलवे स्टेशन के पास ऊपर लगा है शेड टीन का, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, मतलब अनरूली तरीके से खड़े हैं, मतलब बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ ने गद्दे, मतलब कुछ ने काथा, यहाँ पे बोला गया काथा होता है क्विल्ट गद्दा टाइप में, कुछ लोग वो लेके बैठे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है रेलवे स्टेशन के नीचे। बहुत सारी फैमिलीज हैं, किसी का कोई बच्चा रो रहा है, किसी की कोई बूढ़ी माँ रो रही है, मतलब ये इस टाइप का सीन है, आप क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में ये सीन, ठीक है, तो स्टोरी समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस टाइप का सीन है, बच्चे रो रहे हैं, कोई कहीं पर कोई बूढ़ा रो रहा है, तो इसी मतलब इन्हीं पूरे ग्रुप के बीच में एक फैमिली और है हमारी, वो फैमिली है आपके मल्लिका की। मल्लिका की फैमिली भी है इसी भीड़ के बीच का एक हिस्सा। मल्लिका की फैमिली पे पहले आप मेंबर सुन लो, मतलब मल्लिका कौन है, एक लेडी है जिसका जो है हस्बैंड है, हस्बैंड का नाम भूषण है। मल्लिका मान लो प्रोटैगनिस्ट है यहाँ की स्टोरी की, और भूषण जो है उसका हस्बैंड है। एक दो ढाई साल का जो है एक बच्चा है, इसका खोकोन नाम, खोकन है इसका नाम शायद, खोकोन जो भी है एक बार अच्छे से पढ़ लेना, खोकोन है शायद, खोकोन, ओके। एक विडोड सिस्टर इन लॉ है, मतलब जिसे आप भाभी बोलते हो, एक विडो हो चुकी भाभी है जिसका नाम है आशा, ठीक है। पूरी की पूरी फैमिली डिसअपॉइंट है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चा रो रहा है इनका, भूखा है बच्चा, ढाई साल का बच्चा है, आप उसे दूध चाहिए पीने के लिए, तो भूखा है बच्चा भी। भूषण की अगर बात करें तो भूषण को मलेरिया हो गया है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा फीवर है, और ऑलरेडी ये टिन सेड में है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनको, ठीक है। टिन सेड में है तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं, बहुत भीड़ है वहाँ पे, ढंग से आप पैर अपना खोल के बैठ नहीं सकते, पैरों को फैला के, बहुत छोटी सी जगह है, ऑलरेडी पूरा खचाखच भरा हुआ है रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये जो है सीन है यहाँ का पूरा, आपने समझ लिया। अब आ जाते हैं हम आगे। अब देखो सिंपल सी बात है, खाने के लिए कुछ मिला नहीं है, लगभग बहुत दिनों से भूखे हैं ये, चार पाँच दिनों से लगभग सारे भूखे हैं, सबकी निगाहें जो हैं एक ही चीज़ पे हैं कि कहीं पे कुछ काम मिल जाए, तो कुछ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके, सो कुछ काम मिल जाए जिससे हम कमा के कुछ खा लें, ताकि कुछ मतलब कमाएंगे तभी तो कुछ खाएंगे, क्योंकि पेट ऐसी चीज़ है जो कि आपकी मजबूरी को नहीं समझेगी, ठीक है। आप किस दौर में हो, पेट को अगर भूख लगी है तो वो खाना मांगेगा, ठीक है।
और जब आपके पास स्पेशली एक छोटा बच्चा हो तब आपकी मजबूरी और बढ़ जाती है, तो इसी मजबूरी का जो है फ़ायदा उठाया जाएगा इसी स्टोरी में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसी बीच में जो है एक प्रामथ नाम का जो है, प्रामथ नाम का जो एक इंसान होता है, अधेड़ उम्र का ही समझ लो, ठीक है, वो क्या करता है, हेल्प एंड वेलफेयर सोसाइटी चला रहा होता है लगभग, मतलब इसी नाम से है हेल्प एंड वेलफेयर सोसाइटी, जो दावा ये करता है कि लोगों की ये हेल्प कर रहा है, जो भी रेफ्यूजीज़ हैं, ठीक है, पार्टीशन के टाइम पे जो भी रेफ्यूजीज़ हैं उनकी वो हेल्प कर रहा है, मानते हैं, मतलब ये मानता है अपने आप को, बट ये बहुत ही जाहिल किस्म का इंसान है। ये वो दरिंदा है जो कि प्रोस्टिट्यूशन का सारा बिजनेस चलाता है, ठीक है, कमीशन भी खाता है, तो देखेंगे इसके बारे में अभी। तो ये प्रामथ जो है डेविल है इस स्टोरी का। तो ये आता है इसी फैमिली के बीच में और मल्लिका की जो आंखें हैं उसे निहारती हैं, देखती हैं कि क्या ये बंदा मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि ये हेल्प एंड वेलफेयर सोसाइटी का एक पार्ट था, ठीक है। तो इसी को जो है अकम्पेन करता है, मतलब इसी का साथी होता है प्रामथ का, रामलोचन इसी का बंदा होता साइड में। तो ये दोनों आते हैं, बैठते हैं मल्लिका की फैमिली के साइड में, बात करते हैं, जानते हैं, पूछते हैं कि भूषण तुम्हारा टेम्परेचर कैसा है, बुखार अभी तो नहीं है। और वो क्या कर रहा था, कांथा, कांथा मैंने बताया था आपको एक गद्दा टाइप में होता है, तो वहाँ पे जो है नींद आ रही थी उसको, तो वो पूछता है कि अब कैसा है टेम्परेचर वगैरह, ठीक हो। तो अभी तक हमने ये जाना कि भूषण की जो है तबीयत खराब है, उसे मलेरिया हो गया है। तो ये बंदा आता है एक्चुअली यहाँ पे भगवान बन के कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ पे। तो इतने में जो है जब मल्लिका जो देखती है कि ये मतलब एक रे है आशा की किरण, कौन है, प्रामथ, मे बी ये हेल्प कर दे हमारी, तो ये बहुत जब कुछ पूछता है तो मल्लिका के मन में एक उम्मीद जग जाती है कि हो सकता है कि ये जो है हमारी मदद कर दे। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो है प्रामथ है वो हेल्प करने के लिए जो हाथ बटाएगा, मतलब हाथ बटाने की कोशिश करेगा। डर सबको है, डर है ये इस चीज़ की कि हो सकता है कि भूख से मर जाए, भूषण जो है बीमारी से मर जाए, तो एक डर है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, 4-5 दिन से लगभग भूखे हैं, बच्चा भूखा है, एवं दो बच्चा रो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे देखने को स्टोरी में कि कितना दुख है इनकी लाइफ में अभी तक। विक्टिम है ये, नेचर की विक्टिम है, अपने प्रॉब्लम्स की विक्टिम है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो प्रामथ जो ये प्रामथ जो है पूछता है बहुत सारे सवाल, लेकिन भूषण की तो तबीयत खराब है, तो मल्लिका ही जो है जवाब देती है हर एक सवाल का। एक बार तो इतना गुस्सा हो जाती है कि आप लोगों से और गवर्नमेंट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर रहा हमारी, आप लोगों को तो हेल्प के लिए लगाया गया है बट आप लोगों से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, हम लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, ये मतलब पूरा का पूरा जो है एक क्वेश्चन जो है पूछना चाहती है कि आप लोग किस लिए हो, अगर आपको बनाया गया है हेल्प के लिए तो आप लोग किस लिए हो, ठीक है। तो ये बचाव में कहता है कि देखो बात ऐसी है, यहाँ पे समुद्र जैसी तो भीड़ है, हम किस किस की मदद करेंगे, तुम लोग ना तो शेप में बैठे हो, ना आकार मतलब ढंग से ना तो बैठे हो, इतनी भीड़ कर रखी है, हम कैसे मदद करेंगे, कहाँ कहाँ तक जाएंगे। तो यही बात बोलता है ये, फिर थोड़ी देर के बाद मल्लिका शांत हो जाती है ये सारी बातें सुन के। मल्लिका जो थी एक रियलिस्ट टाइप की जो फिगर है वो सीधा सीधा मुंह पे बोलती है जो इसे बोलना होता है, ठीक है। तो अब इसी बीच में जो है ये कहती है कि ये प्रामथ कहता है कि अब देखो अगर ये सब हुआ है तुम लोगों के साथ तो ये तो भगवान की मतलब सारी चीजें हैं, मतलब भगवान के कारण ही हो रहा है। तो मल्लिका इस बात पे कहती है भगवान का तो नाम ही मतलब मेरे सामने, मुझे नहीं सुनना ऐसे किसी डिसग्रेसफुल बिंग का किसी का नाम सुनना, मतलब व्हाट टेक द नेम ऑफ दैट डिसग्रेसफुल बिंग, मतलब क्यों भगवान का नाम लेना है यहाँ पे, भगवान का तो नाम ही मतलब कुछ नहीं कर रहे वो भी हमारे लिए, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर काम मिल जाए तुम लोगों को तो कैसा रहेगा। तो मल्लिका इस बात को सुन के खुश हो जाती है कि ठीक है मेरे हस्बैंड के लिए कोई काम ढूंढ दो, वैसे भी वो मलेरिया से अभी दुखी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, उसके बाद जो है उसे तुम काम ढूंढ देना, हम कमा के फिर वो कमाएगा, हम जो है फिर खा लेंगे, मतलब एक डिपेंडेंसी जो है दिख सकती है, मतलब एक फीमेल होने के कारण जो है एक डिपेंडेंसी जो है यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो इसी बात को जब सुनता है भूषण तो जो है वो अपनी आंखों को एक बार खोल के देखता है, फिर से जो है वो डोज करने लगता है। प्रामथ कहता है सॉरी माफ़ कीजिए लेकिन मेरे पास किसी मेल के लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि मेल तो भरमार है मेल की, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए कि बोलना क्या चाह रहा है, हाँ मेरे पास फीमेल के लिए काम है, इसने ये बोला कि मेरे पास फीमेल के लिए काम है, बट देर आर सम जॉब स्टिल अवेलेबल फॉर वीमेन। अब वो क्या काम है, प्रोस्टिट्यूशन का, फ्लैश मार्केट का, ठीक है, कि आप वहाँ पे जाओगे अपना जिस्म का व्यापार करोगे और आपको पैसे मिल जाएंगे।
लेकिन खुल के प्रामत ये चीज़ बोलता नहीं है, तो आप ये मत समझ लेना कि मल्लिका को भी इस चीज़ का पता नहीं है कि वो किस चीज़ के बिजनेस के बारे में बोल रहा है। एक औरत होने के नाते उसे सब पता है कि क्या चीज़ बोलना चाह रहा है वो, बट स्टिल वो मजबूरी सोचती है इसकी कि चलो अगर करना भी पड़े तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, उसको पता नहीं था। तो मल्लिका जो है जब इस चीज़ को सुनती है कि औरत को काम करना मतलब करने के लिए जाना पड़ेगा, तो वो बात तो समझ जाती है। तो वो कहती है इवन दो, ओ गॉड, इवन दिस वॉज इन माई फेट, मतलब अब ये भी था मेरी किस्मत में लिखा, चलो कोई नहीं, ये मान लेती है कि ठीक है कर लूँगी कर लूँगी, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए छत एक करवा दो, मतलब घर मतलब एक रूम ही रेंट पे दिलवा दो कम से कम, बच्चे के लिए दूध दिलवा दो, हम बाकी सारा कुछ कर लेंगे। कह रहे उसने ये भी बोला इवन दो, इफ़ यू विल से मे डांस नेकेड देन आई विल डू सो, मतलब ये भी मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी ऐसी है। तो मजबूरी देख सकते हो आप, मजबूरी इंसान को, गधे को भी बाप बोलने वाली बात होती है ना, तो मजबूरी में गधे को भी बाप बोलना पड़ता है, तो वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो प्रामत कहता है कि ठीक है, हिसाब लगाता है मन में, कुछ कुछ पैसे दे देता है हिसाब करके कि ये लो कुछ पैसे ले लो, रूम का रेंट भर देना और एक रसीद ले लेना रूम का रेंट, मैं बता दूंगा सारी चीज़ें कहाँ जाना है क्या नहीं, रूम वूम तो आपको मिल जाएगा, आपको काम भी मैं दिलवा दूंगा, और बच्चे के लिए ये लो कुछ और पैसे ले लो, बच्चे के लिए दूध खरीद लो। तो ये सारी चीज़ें होता है। उसके बाद जो है रामलोचन जो है बच्चे के लिए दूध ले आता है और पकड़ा देता है। अभी तक भले ही मल्लिका को ये नहीं पता कि किस टाइप का करेक्टर है अच्छे से, लेकिन उसे पता था कि काम किस टाइप का है। कुछ ही देर बाद जो है 22-23 साल के लगभग जो है लड़के लड़कियाँ आती हैं राम ये मल्लिका के साथ मतलब मिलने मल्लिका से। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें जो इंसान अभी आया था ना प्रामथ, जो तुम्हें अभी छोड़ के गया है, एक्चुअली ये बहुत ही गंदा टाइप का इंसान है और ये फ्लैश मार्केट में तुम्हें जो है हो सकता है इंक्लूड करवा ले, तो प्लीज़ सचेत हो जाओ, इसके झांसे में मत आओ, ठीक है। तो मल्लिका इसी बात को सुन के कहती है कि मैं अब कैसे विश्वास कर लूँ तुम्हारी बातों को, मुझे पता भी अगर है तो मैं मना नहीं कर सकती अभी, सॉरी, तो मैं मना नहीं कर सकती अभी क्योंकि मजबूरी है मेरी ये, ठीक है। तो ये बात बोलती है यहाँ पे कि मैं कैसे भी अगर कंप्लेन भी करूँ तो किसको करूँ, कौन सुनेगा मेरी बात, पुलिस वालों को अगर मैं बोल भी दूँ पकड़ा भी दूँ इसको तो फिर क्या हो जाएगा, इससे मेरी थोड़ी ना कंडीशन सुधर जाएगी। उसके बाद जो है राम लोचन जो है ये सारी घटनाएं देख रहा होता है पीछे से कि कहीं प्रामत बाबू को फंसा ना दे, ठीक है। कुछ देर बाद जो है वो पुलिस बुला लेता है और उन लड़के लड़कियों को जो है भगवा देता है, ठीक है। पुलिस आती है, क्वेरी करती है उन लड़के लड़कियों से, फिर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो फिर वो लड़के लड़कियाँ जो हैं चली जाती हैं, जो कि गाइडेंस देने आती हैं मल्लिका को कि प्लीज़ इसके झांसे में मत आना, ठीक है। एक्चुअली वो वॉलेंटियर होते हैं, वो बच्चे जो हैं अपने आप को वॉलेंटियर बोल के फिर निकल जाते हैं वहाँ से, ठीक है। बढ़े आगे देख सकते हो आप वो लाइन जो कि मैंने आपको बोली थी, ये रही वो लाइन, हाउ कैन वी वेरी वेन आवर स्टमक्स आर एम्प्टी, हम कैसे सोच भी लें अगर इस बंदे को पकड़वाना भी है पुलिस वगैरह में तो कैसे सोचे, तो ये वाली लाइन थी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद जो है उनको रूम रेंट पे मिल जाता है एक, अब रूम रेंट पे जो मिलता है एक्चुअली ये एक मुस्लिम फैमिली की थी जिसको जो है इसी प्रामथ नाम के बंदे ने जो है कुछ षड्यंत्र टाइप में यानी कि कुछ स्ट्रेटेजी के द्वारा जो है उनको भगा दिया था वहाँ से। तो यही रूम जो है इनको मिलता है, ये रूम किराए पे ले लेते हैं उस जगह को, राइट वगैरह करवा के जो है दंगे फसाद करवा के कुछ वो जो है उस रूम को खाली करवाता है, मतलब बहुत दिनों पहले खाली करवाया होता है वो रूम। तो ये सारी बातें रामलोचन बोलता है मल्लिका की फैमिली को ताकि मल्लिका के मन में ये जागे कि कितना दयालु है ये, मतलब कितना बेनोवलेंट है ये आपका प्रामथ, ठीक है, ये चीज़ दिखाने के लिए कि कितना हेल्पफुल है लोगों के प्रति। बट रामलोचन सारी चीज़ें बोलता है, ठीक है। मल्लिका इसको चीज़ देखती है कि चलो यार कोई नहीं, एक रूम तो मिला है मेरे को रहने के लिए, तो ये सारी चीज़ें देखती हैं मल्लिका। फिर जब वहाँ पे रहती हैं तो धीरे धीरे उसको सारी चीज़ें समझ आ जाती है क्योंकि जो बच्चे आए थे 22-23 साल के उन्होंने ऑलरेडी बता दिया होता है उसको प्रामत के बारे में कि कैसे ये जो है एक प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस चलाता है। बट मल्लिका जब तक अपने आंखों से नहीं देखेगी तो क्लियर थोड़ी होगा, तो ये सारी चीज़ें देखना चाहती है। तो वो जब आती हैं तो वहाँ पे देखती है कि एक जो है उसी मतलब जहाँ पे रूम रेंट लिया था वहीं पे जो है दूसरी तरफ देखती है वो दूसरे रूम के साइड में एक लड़की जो है अच्छी सी ड्रेस पहन के साड़ी पहन के जो है एक आदमी की जो है कार में जो है एंट्री लेती है, ठीक है। एंट्री लेती है फिर वो कार में बैठ के कहीं चली जाती है और कुछ दिनों कुछ घंटों बाद जो है फिर वापस आ जाती है और उसके हाथ में जो है कुछ पैसे होते हैं। तो आप समझ रहे हो फ्लैश मार्केट चल रहा है पीछे एट द बैक,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो देखती हैं, उसे सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं किसको, मल्लिका को। धीरे धीरे मल्लिका को तो पता ही था कि कुछ दिनों बाद उसको भी हो सकता है कि इस बिज़नेस में इंक्लूड करवाया जाए, क्योंकि बिज़नेस बता ही दिया गया था कि क्या होगा, मतलब पैसे कमाने हैं तो सिर्फ औरतों के लिए काम है। ठीक है, एक दिन और ऐसी चीज़ें देखती है, मतलब एक और मजबूरी दिखाई गई है स्टोरी में कि कैसे जो है जब इंसान बीमार हो जाता है। तो ये तो हमने एक मल्लिका की फैमिली का देखा कि हस्बैंड बीमार है, बच्चा भूखा है, तो वो भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और एक ऐसी जो है स्टोरी आपको मिलेगी कि एक जवान लड़की है जिसकी अभी शादी की उम्र है बट शादी नहीं हुई है, तो वो अपने जीजा से पूछती है कि कहाँ जा रहे हो आप, बोधी की तबीयत खराब है। बोधी कौन होता है, मतलब बोधी इन द सेंस बंगाली में बोधी बोलते हैं आपकी भाभी को, कि भाभी की तबीयत खराब है, आप कहाँ जा रहे हो, दवाई ला के दे दो, दवाई कम से कम नहीं ला रहे तो जहर ही ला के दे दो, मर जाएगी बेचारी वो। तो गुस्से से वो जो इंसान उसके उसमें थप्पड़ जड़ देता है, कहता है कि मेरे बस की नहीं है रूम रेंट वगैरह पे करना, मैं अपना काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, जब मेरे बस की होगी रूम रेंट पे करना मैं पे कर दूंगा। ठीक है, कुछ देर बाद जो है टेलीफोन कॉल से ही पता लगता है इसको कि भाई रूम के लिए जो है रेंट भरना है। तो फिर वो टैप कर मतलब कॉल उठाती है। कुछ देर बाद जो है कुछ लोग आते हैं उसके पास और कहते हैं कि जल्दी से रूम रेंट जो है पे कर दो, नहीं तो तुम्हें जो है बाहर फेंक दिया जाएगा इस घर से। ठीक है, तो ये ऊपर से जो है कहती है उन लोगों को जो भी आता है, एक बंदा आता है रूम रेंट शायद लेने के लिए आता है, ये एक मिडल एज जेंटलमैन आता है वहाँ पे। ठीक है, तो वो कहती है कि वट कैन आई डू, ही विल पे वैन ही कैन, मतलब जब मेरे जीजाजी आएंगे तो वो पे कर देंगे, अभी मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। जीजा कह लो या फिर भैया भी कह सकते हो, यहाँ पे लिखा वैसे क्लियर नहीं लिखा था, हो सकता है कि भैया भी हो। तो बट यू विल बी विद मी, वाई बी अफ्रेड, तो इंसान कहता है ठीक है तुम पे नहीं कर सकते हो, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती नहीं 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 मुझे किसी के साथ नहीं आना, मुझे कहीं जाना नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो इंसान कह रहा है इनडायरेक्टली कि आ जाओ मैं तुम्हें पे कर दूंगा, तुम जो है सेक्सुअली प्लेजर देना, प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में इंक्लूड हो जाओ, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। ठीक है, तो लड़की मना कर देती है। तो इसी चीज़ को जब मल्लिका देखती है तो एनालाइज करती है कि यार कितनी गंदी लड़की है, मतलब अब पर्सपेक्टिव देखना, आप मजबूरी के कारण वो बोल रही है कि जब शादी वादी नहीं हुई तो चली जाओ, फैमिली इतनी प्रॉब्लम में है तो बिजनेस में चली जाओ, प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में क्या दिक्कत है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू है ये। ठीक है, मतलब मजबूरी में गधे को भी बाप बोलना पड़ता है, वही वाली बात है। तो मल्लिका का पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि शादी वगैरह नहीं हुई जब तो चली जाना, मतलब क्या दिक्कत हो रही है जाने में, इंक्लूड कर ले अपने आप को प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में, ये कहना होता है इसका। प्रामद जो है फिर अगले ही दिन जो है मतलब उसी दिन जो है फिर मल्लिका के लिए भी कॉल आता है कि भाई तुम्हारा बिजनेस जो है मतलब अब स्टार्ट, मतलब तुम्हें जो है बिजनेस में इंक्लूड होना है। ठीक है, तो इसके लिए कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती, रामलोचन आता है बल्कि बाकायदा क्या लेके, दाल खाना वाना सब कुछ, फिश वेजिटेबल लेके आता है फैमिली के लिए। मल्लिका देख के खुश होती है और फिर वो बोलती है कि मुझे आज ही जाना है क्या, तो वो कहती है कि हाँ मतलब आज ही जाना है, मतलब तुम्हें प्रार्थना उसने बुलाया है, मतलब बॉस ने प्रामस ने बुलाया है। तो अंदर जाती है मल्लिका और जो जो इनकी भाभी थी मल्लिका की, तो उसको ठाकुर जी करके बोलती है कि ठाकुर जी तैयार हो जाओ, प्रामत ने जो है बुलाया है। ठाकुर जी जो है एक ऐसी करेक्टर हैं जो कि विधवा तो हैं बट उसे अपनी इज्जत के बारे में अच्छे से पता है कि भाई इज्जत मर जाऊंगी लेकिन इज्जत को जो है किसी को मतलब हाथ ना मतलब डालने नहीं दूंगी अपनी इज्जत पे हाथ। ठीक है, तो यही चीज़ बोलती है कि मैं मर जाऊंगी बट मैं नहीं जाऊंगी उस प्रामत जो कि फ्लैश मार्केट चला रहा है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। मल्लिका बार बार जिद कर रही होती है, तो इतने में रामलोचन कहता है नहीं 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 आशा को नहीं भेजना, आशा नाम होता है उसका, आशा को नहीं बुलाया है मालिक ने प्रामत ने, बल्कि तुम्हें ही बुलाया मल्लिका। तो फिर मल्लिका के पास कोई चॉइस नहीं होता, मल्लिका सोचती है कि चलो यार मेरे को ही बुलाया तो मेरे को ही जाना पड़ेगा, अब हाथ डाल दिया है आग में तो आग में हाथ डाल दिया तो अब सेंक ही लो, है ना। पहनती है वो कपड़े एक गंदे से कपड़े ही पहनती है, ज़्यादा कुछ तो होता नहीं इनके पास, गरीब सी फैमिली है। ठीक है, तो जाती है वहाँ पे, फिर जो है प्रामद दिखता है बैठा हुआ, बैठती है वहाँ पे, गंदे से कपड़े होते हैं इसके, सैंडल पहन के जाती है एक, और एंट्री मारती है। एंट्री मारने से पहले गेट पे जो है बहुत सारे गार्ड होते हैं, दो तीन गार्ड होते हैं गेट पे भी। इसके बाद जो है अंदर जाती है, प्रामद बैठा होता है सोफे पे, तो उसे भी सोफे पे बिठाने की बात मतलब सोफे पे बैठने को बोलता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे दिखाया गया कि एक इंसान जो है एक गरीब इंसान को जो है ऐसे मतलब बिठाया जाता है सोफे पे, जैसे मेड सर्वेंट वगैरह जो है पहली बार जो है सोफे पे बैठी हो मालिक के सामने। तो ये सारी एक पर्सपेक्टिव से पेश किया गया है कि गरीबी और अमीरी का भी जो है
वो भी शो किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो गरीबी अमेरिका है, ये गैप भी हमने देख लिया। तो प्रामत कहता है कि यू विल वर्क फॉर मी, तुम्हें जो है मेरे लिए काम करना पड़ेगा, वर्क फॉर यू। वो तो कहता है ठीक है, मुझे पता है मुझे काम क्या करना है। मल्लिका जो अपनी आंखों को जो है अपनी ब्रो को जो है चढ़ाते हुए कहती है कि ठीक है मेरे को तो काम करना ही है, व्हाट वर्क डू यू डू, मतलब क्या काम करना है, क्या काम है वो सब बताओ मुझे। डू आई हैव वन काइंड ऑफ अ जॉब, आई हैव इन्वॉल्व्ड इन सो मेनी थिंग्स। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ एक काम में हूँ, मेरे पास इतने सारे काम है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, मतलब मैं बिजनेस भी, मतलब फ्लैश मार्केट भी चला रहा हूँ, मैं किसी सोसाइटी का भी पार्ट हूँ जिसमें मैं लोगों की सेवा करने में दिखा रहा हूँ कि मैं लोगों की सेवा करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी बातें चल रही होती हैं इनके बीच में। इसी बीच में जो है प्रामत, एक्चुअली देखो मल्लिका को पता था कि मल्लिका की जो है, मल्लिका को देह व्यापार के लिए जो है इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन मल्लिका को ये नहीं पता था कि ये बंदा खुद पहले टेस्ट करने की कोशिश करेगा कि खुद वो जो है सेक्सुअली प्लेजर उठाना चाहेगा मल्लिका का, बाद में उसे जो है इस बिजनेस में इंक्लूड करेगा, उसे ये बात नहीं पता थी। बट मल्लिका को संदेह पहले हो गया था कि ये कहीं ना कहीं जो है मेरे ऊपर ही पहले जो है कुछ ट्राई करने की कोशिश करेगा। तो वो कहते हैं कि आओ मेरे चेस्ट के सामने थोड़ा आओ, अपने सामने खींचता है उसको, मल्लिका को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करता है। मल्लिका को आता है गुस्सा, वो माइंड में दो चीज़ें सोचती हैं, अब क्या करना है जल्दी से जवाब दे। अपने माइंड से वो दो चीज़ पूछती है कि अब क्या करना है, कि ठीक है अपने आप को इंक्लूड करवा ले इस बिजनेस में और पैसे कमा लो। दूसरी चीज़ ये कि इस बंदे को चाकू तो है नहीं, गन वन तो है नहीं इस घर में, तो एक काम कर अपनी साड़ी के पल्लू से ही जैसे तैसे जो है इसका गला घोट के मार दे। तो ये दो चीज़ें इसके माइंड में चलती हैं। तो दूसरी वाली चीज़ जो है जीत जाती है और उसको गला दबा के जो है मार देती है, फाइनली वो मार देती है उसको, ठीक है, दो टुकड़े में जो है इसको, मतलब दो टुकड़ा इन द सेंस, मतलब उसको जो है गला दबा के उसको जो है मार देती है। और फिर ये कहती है कि यही फाइनल सॉल्यूशन है मेरे पास, मतलब जब उसको मारती है उससे पहले जो है माइंड में दो थॉट्स चल रहे होते हैं उसके, तो दूसरे वाला थॉट जो है जीत जाता है कि इसको जो है गला दबा के मार दो। तो फिर उसी टाइम पे ये बोलती है कि दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन आई हैव। वो शायद मैं लाइन एक बार दिखा देता हूँ आपको, लाइन है मेरे पास यहाँ पे, तो वो उसको जो है स्ट्रेंगल कर देती है, उसको दम घोट के जो है मार देती है। यहाँ पे वो लाइन है कहीं पे, आई थिंक एक बार दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को ताकि सारा कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। यस, तो मल्लिका जब जो है उसको मार देती है फिर वहाँ से निकल भी जाती है। निकलते ही देखो ये उसका घर था यहाँ पे, मल्लिका और इसके बीच में जो भी हुआ, तो मल्लिका ने इसको मार दिया। अब यहाँ पे गेट है, यहाँ पे गार्ड होंगे, यहाँ पे भी गार्ड है। तो जैसे ही वो निकलता है, जैसे यहाँ से निकलती है वो, तो गार्ड कहता है कि कुछ, मतलब गार्ड को निकलते ही हुए बोल देती है कि अभी जब तक मालिक ना कहे अंदर मत जाना, मतलब वो सीक्रेटली वहाँ से निकल भी जाती है। और मारने से पहले उसके पास जितने भी पैसे वैसे होते हैं वो सारा निकाल लेती है, ये एक बंडल निकाल लेती है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, सारा बंडल निकाल लेती है पैसे का। और फिर कहती है कि ये तो मेरे ही पैसे हैं ना, मेरे को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहा था, नहीं तो ये तो मेरे ही पैसे हैं। तो वो सारे पैसे जो है उसकी जेब से निकाल लेती है और वहाँ से खिसक भी जाती है और बोल भी देती है गार्ड को कि जब तक बाबू ना बोले, अनटिल द बाबू, मतलब डोंट गो इन टिल बाबू सेंड फॉर यू, जब तक बाबू ना बुलाए, मतलब नौकरों को बोल देती है तब तक अंदर मत जाना। रामलोचन भी बाहर खड़ा होता है तो उसको भी बोल देती है कि अभी मत जाना, इट्स कुछ करो जरूरी काम नहीं है, जब तक वो ना बुलाए तब तक मत जाना अंदर, ठीक है। घर पहुंच जाती है, अपने भाभी के पास आती है, फिर दिखाती है उसे सारा लूटेड माल वगैरह, दिखाती है कि कैसे जो उसने उसको जो है गला दबा के मार दिया है। फिर वो कहती है आई हैव फाउंड अ वे ठाकुर जी, द फाइनल सॉल्यूशन, तो वही रास्ता था मेरे पास अंत में। ठाकुर जी मतलब उसकी भाभी जब भी बात सुनती है वो तो चौंक जाती है, डर जाती है वो कि अब बंदे आएंगे उसके बंदे और मेरे को जो है, मतलब हमें जो है मार के चले जाएंगे, फिर उठा के ले चलेंगे जो भी होगा। तो ये सारी चीज़ है यहाँ पे, ठाकुर जी डर जाती है, लेकिन मल्लिका डरती नहीं है बिल्कुल भी। मल्लिका स्टैंड करती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, अभी भी वो कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कोई उठा के ले चला जाएगा हमें, नहीं मैं अपने पास जो है चाकू रखूँगी, कोई भी आएगा तो मैं चाकू जो है, हो सकता है मैं उसको चाकू मार दूँ, ठीक है। जो फिर ये कहती है कि मैंने इतने पैसे उसके पास से चोरी कर लिए हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा भूखा पेट कभी भी अब आवाज़ नहीं करेगा, बच्चे के लिए जो है दूध की कमी होगी नहीं, हम कभी भूखे रहेंगे नहीं,
अपने हस्बैंड जो है, मतलब हस्बैंड के लिए तो कभी ये मरती भी नहीं थी वैसे, अपने हस्बैंड भूषण के लिए, भूषण के लिए इसे कुछ लगाव नहीं था, अपने बच्चे के लिए लगाव था कि बच्चा बच जाए जैसे तैसे, भूषण खाए पिए उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है कि चलो ठीक है, भूषण के लिए भी दवाई के पैसे भी आ गए, तो मतलब सारी चीज़ें हैं। ठाकुर जी तो अभी भी डर के मारे हिल रही होती है, बट अपनी मल्लिका जी जाती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे जी जाती है, खड़ी रहती है। वो कहती है कि टेंशन मत लो, मैं हमेशा जो है एक चाकू जो है कैरी करके रखूंगी, कोई भी आएगा मैं उसे जो है अपने रास्ते से क्लियर कर दूंगी। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था यहाँ पे। दोस्तों मैंने ट्राई करा है पूरी की पूरी जो है स्टोरी को कवर करने की अच्छे तरीके से, और एनालाइज करके भी बताया। तो मेन थीम क्या उभर के आया, मैंने अभी बताया कि ग्रुपिंग कैसे हो जाती है समाज में इस टाइप की फ्लैश मार्केट के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज़, प्रोस्टिट्यूशन का एक जो है हमने जिक्र देखा कि कैसे मजबूरी इंसान को जो है प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देती है, खासकर अगर पार्टीशन के टाइम पे बात करें तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा हुई होगी लोगों के बीच में, अगर हम एक की स्टडी करने की कोशिश करें तो। तीसरी चीज़ ये कि तीसरी चीज़ क्या थी, एक मिनट जस्ट, तीसरी चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले एक बार ऊपर देख लेते हैं, कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई। आलम पे चले आए, आलम साउंड हाउस पे। देखो ये पीडीएफ जो है मैंने डाल दी है ऑलरेडी आपको, आप कई बार आप लोगों की डाउट ये रहती है कि मैंने डाली नहीं है, तो प्लीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, अपने चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप बार बार कह रहे हो कि प्लीज़ सर प्लीज़ डाल दो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो डिपेंडेंस की, कि वीमेन डिपेंडेंस हो सकती है भले ही ठीक है किसी पे, लेकिन अगर वो अपने पे आ जाए तो फिर वो देखेगी नहीं किसी को। तो एक जेंडर पर्सपेक्टिव दिखता है कि भाई अंत में कुछ नहीं बचता, तो औरतें जो अपना जिस्म बेच के पैसा कमा सकती है, तो ये जो टाइप की मेंटेलिटी है इसको शो किया गया है कि लोग कैसे सोचते हैं मार्केट में। और मार्केट में क्या ये चीज़ सही में ही होती है, इवन दो अभी भी आप रेड लाइट एरियाज देख सकते हो, बहुत ज़्यादा है प्रॉब्लम कई बार। इवन दो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर ये रेड लाइट एरियाज बंद हो जाए, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये हमेशा ये कहता है कि ये रेड लाइट एरियाज बंद हो जाने चाहिए, बट फिर माइंड में वही आता है कि आपको कैसे उनकी फिर मतलब जो प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं डेली लाइफ में, वो चीज़ कैसे आप फील करोगे फिर, ठीक है। क्योंकि कंट्री की अगर बात करें तो आपको पता होगा किसी को इजी मनी चाहिए होता है। देखो सब कोई इंक्लूड नहीं होता इस बिजनेस में, फ्लैश मार्केट की बात करें, सब कोई जो है कोई मजबूरी में जाता है और कोई इजी पैसे कमाने के लिए चला जाता है इस बिजनेस में, ठीक है। कुछ लोग गैंग चलाते हैं अपना इसी बिजनेस में, कुछ को जो है अय्याशी करनी होती है, जीवन के जो है जितने भी अय्याश जो चाहिए होते हैं मौज वगैरह करने, तो वो इस चीज़ को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ताकि इजी पैसा कमा सकें, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस जो है काफ़ी फल फूल रहा है वैसे देखा जाए तो। प्रॉपर लॉ की कमी है इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें तो प्रॉपर लॉ की कमी है। तो ये सारी चीज़ें आप देखना एक बार, कि स्टडी करना कभी, बाकी मैंने ये सारा पर्सपेक्टिव पेश करने की कोशिश करी है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन, तो कमेंट सेक्शन में बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी आप के लिए जो टैगलाइन है अपने चैनल का, हेयर यू लर्न देयर यू टॉप, तो आशा करता हूँ कि टॉप करोगे आप एग्जाम में। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अपने दोस्तों तक वीडियो को जो है शेयर भी कर देना। मैंने ऑलरेडी जैसे बता दिया आपको, लिटरेरी माइंड सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके, आपको जो है मेरा पीडीएफ मिल जाएगा, जितनी भी सारी वीडियोस हैं आपकी सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सएप के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जैसे कि ओपन एग्जामिनेशन होने वाला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बच्चों को कि कैसे एग्जाम होगा, तो 8383018454 दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, एक बार दोबारा सुन लो, 8383018454 दिस इज़ माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। एग्जाम से पहले भी आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि हम पोस्ट कॉलोनियल का भी जो है पार्ट जो है पूरा करवा देंगे, अभी तक हम थिंग फॉल अपार्ट पे ही पड़े हुए हैं, वो भी आपने कर दिया है वीडियो अपलोड, तो और भी जो बाकी वीडियोस हैं वो भी अपलोड हो जाएंगी टाइम टू टाइम। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।